हेलो गाइस, डिजाइन शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए जिसमें हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन की एडवांस पैरामीटर्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको एक एक डिटेल के बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ, सो वैसा ही हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। सो अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है वहां से जाकर आप देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप इस मॉडल को पहले तो देख चुके होंगे, लेकिन इसमें हम एडवांस सेटिंग्स को और भी ज्यादा क्लियर करने वाले हैं। सो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने रेंडर पैरामीटर्स को अच्छे से क्लियर करवाते थे जितने भी ऑप्शंस हैं। सो आज के इस टॉपिक के अंदर ग्लोबल इल्यूमिनेशन का यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली इसका यूज होता क्यों है। सो गाइस, इसमें दो तरीके आपकी रेज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो आप इससे अच्छे इम्पैक्ट निकाल सकते हैं, वो कैसे, वो यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे कि आपने इस मॉडल को तो पहले देखा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं क्लोज जूम करूं या आप व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो उस ग्रुप के अंदर मैं भेजते रहता हूं इसके जो हाई डेफिनेशन के इमेजेस होते हैं। सो आप अगर इसके जूम करेंगे इस इमेज को, सो यहाँ पर आपको एक अलग सी शेडो एंड रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। सो ये इम्पैक्ट करता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेज के थ्रू। एंड जैसे कि आप यहाँ पर आप एक और इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा वाटर का इफेक्ट क्रिएट करना है सो आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन के मदद से ही कर पाएंगे। अगर आप इसका यूज नहीं जानते सो आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आप वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें एंड आप वीडियो को रेट जरूर करें। ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है वहां से जाकर 5 जो है बहुत अच्छे, अगर आपको लगता है मेरा वीडियो तो 5 रेट कर सकते हैं, अदरवाइज 3 और 1 बाकी हैं। सो गाइस, चलिए यहां पर हम कुछ और नया सीखते हैं। सो अभी यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर जो ऑप्शंस है ये क्या है। सो यहां पर ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मैंने कुछ सोर्स इमेजेस आपको दिखाए जिससे कि अभी आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन अभी ऑफ दिख रहे हैं क्योंकि इंटरएक्टिव के ऊपर ये ऑप्शंस काम नहीं करते। सो मेक श्योर आप जो है इसको यहाँ पर कर दें ऑफ इंटरएक्टिव को। सो जैसे ही आप यहाँ पर इंटरएक्टिव को करते हैं ऑफ, और यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड पे आप देखोगे कि ये ऑप्शंस आपके अनलॉक हो जाते हैं। सो यहाँ पर इसको आप यूज क्या क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज क्या है कि कोई भी आपकी लाइटिंग का अगर आपको इम्पैक्ट डालना है या इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेज के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेज के बारे में पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से मैंने बताया था। आई थिंक अगर आपने नहीं देखे तो आपको अच्छे से वो उस वीडियो को देख लेना चाहिए। तो फिलहाल हम इसके अंदर भी बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये कुछ ऑप्शंस। अब पहले ऑप्शन है प्राइमरी रेज। सो प्राइमरी रेज होता क्या है, जो भी आपकी जो नॉर्मल लाइट आपके मॉडल के ऊपर आ रही है उसको बोलते हैं आपकी प्राइमरी लाइट। एंड सेकेंडरी लाइट क्या होती है, मतलब कि जो आपकी लाइट तो आ रही है लेकिन उसके अंदर की जो रेज है, अंदर वाली मतलब और आपको अगर डेप्थ चाहिए तो वो बोलते हैं सेकेंडरी रेज के अंदर आती हैं। सो प्राइमरी रेज के अंदर यहाँ पर आपको जो मिलती है ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ब्रूट फोर्स यूज करना होगा। तो इन तीनों के अंदर फर्क क्या होता है, अगर आप ब्रूट फोर्स करके रखते हैं तो आपका मेनली ये प्राइमरी रेज के ऊपर इंपैक्ट डालता है और साथ ही साथ सेकेंडरी रेज के ऊपर इंपैक्ट डालता है। वहीं अगर आप यहाँ पर कर देते हैं नीचे वाला ऑप्शन यानी कि इरेडियंस ऑफ मैप सेटिंग, सो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइमरी रेज के ऊपर ध्यान देता है, ये आपका जो है सेकेंडरी रेज के ऊपर ध्यान नहीं देगा। एंड उसके बाद यहाँ पर लाइट केसेस, ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सेकेंडरी रेज के ऊपर ध्यान देता है लेकिन कुछ ना कुछ ये प्राइमरी रेज का भी रेंडर करता है। तो आपको समझ आ जाएगा, आप अपने पीसी के अंदर करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। एंड एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप इसको यहाँ पर जीपीयू पर करके रखते हैं तो आपको ये ब्रूट फोर्सेस लॉक हो जाता है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स के अंदर आपको जो इंपैक्ट देखने को मिलेंगे वो गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड उसके बाद यहां पर हम सीपीयू पर जाते हैं। सीपीयू पर जाने के बाद यहां पर सिंपली मैं और भी ऑप्शंस को आपको क्लियर कराता हूं, लाइक सेकेंडरी रेज। सो सेकेंडरी रेज क्या होते हैं, इसका मतलब कि आप यहाँ पर अगर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, पहले तो 3 ऑप्शन आ जाते हैं। ब्रूट फोर्स के बारे को मैंने बता दिया एंड नन का मतलब अगर आप यहाँ पर नन कर देते हैं तो आपका सेकेंडरी रेज
नहीं रेंडर होगा। एंड अगर आप इसको ऑन करते हैं, मतलब अगर आप इसको ऑफ ही रखते हैं, नन कर देते हैं, तो आपका जो लाइट का सोर्स रहेगा, जो इम्पैक्ट रहेगा, वो बिल्कुल स्काई लाइट की इमेज से वो लेता है। तो यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है, वो प्राइमरी रेज को आप सेलेक्ट रखें, एंड सेकेंडरी रेज के अंदर आप यहाँ पर लाइट केसेस को यूज कर सकते हैं। बिकॉज लाइट केसेस क्या करता है कि रेज के अंदर जो केसेस होते हैं, जैसे कि आपके फोन के अंदर लॉग फाइल बनते हैं, वैसे ही ये कुछ लाइट केसेस होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रेंडर के लिए, तो ये सेटिंग के डिसीजंस आप जरूर ले लें। सो यहाँ पर आप एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक जरूर करें। क्लिक करने के बाद कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर जो लाइट केसेस हैं, इसके अंदर ये ऑप्शंस क्या हैं, ये बेसिकली जो लाइट के रेज होते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट काफी ज्यादा डालते हैं। सो जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है सब डिवाइसेस, सो 1000 बेस्ट होता है, लेकिन अगर जितना ज्यादा आप नंबर डालेंगे उतनी ज्यादा ये रेंडर बकेट टूल के अंदर, मतलब बकेट के अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। और बकेट के बारे में मैंने पिछले वीडियोज के अंदर मैंने बताया था आपको। सो यहाँ पर जितना ज्यादा आप यहाँ पर डालेंगे वैल्यूज को, लेकिन यहाँ पर आप 1,00,000 डालते हैं, सो वो एक बकेट के अंदर उतने सैंपल्स, यानी कि उतने सारे सैंपल्स एक बार में ट्राई करेगा और उतना आपको ज्यादा अच्छा रेंडर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर 1000 से कम आप ना डालें, ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है। उसके बाद यहाँ पर आता है सैंपल साइज। सैंपल साइज के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कुछ, यहाँ पर दो ऑप्शंस, जिसमें से स्क्रीन स्पेस आपको करके रखना है। बिकॉज स्क्रीन स्पेस इसलिए क्योंकि जो आपका इम्पैक्ट रहेगा वो इस मॉडल के थ्रू होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके थ्रू। सो सैंपल साइज यहाँ पर आप जितना आप यहाँ पर कम रखते हैं उतना ज्यादा आपको शार्पन डिटेल देखने को मिलती है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी आपकी डिटेलिंग कम होगी, लेकिन आपका रेंडर फास्ट होगा। उसके बाद आता है रेट्रेस। रेट्रेस को आपको मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बता दिया था कि आपकी जो रेज की वेट होती है कितना हैवी होना चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्क केसेस है। यहाँ पर आप इसको चाहे तो अपने लॉग फाइल्स को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, वैसे हम इसका यूज नहीं करते गाइस। यहाँ पर फिर आता है GI कॉस्टिक। दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ रहे, रिफ्लेक्टेड कॉस्टिक क्या होता है, कॉस्टिक का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सोर्स इमेज दिखाता हूँ कॉस्टिक का। तो ये जो आप इसके अंदर इंपैक्ट देख पा रहे हैं, ये वेव्स जो जनरेट हो रहा है इसके अंदर वाटर के अंदर, एंड जो ये ग्लिटरिंग कर रही है आपकी इसके अंदर, तो ये आपका कॉस्टिक की वजह से होता है। ऐसा कुछ आप अगर करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था वीरे के BRDF के सेटिंग को। तो अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कुछ ऐसा मटेरियल बना पाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो ग्लिटरिंग हो रही है वो आप इस वीडियो से सीख पाएंगे। सो ग्लिटरिंग करने के लिए आपको कॉस्टिक का इंपैक्ट देखना जरूरी है। सो अभी मैं आपको फोटोन मैप्ड कॉस्टिक जब हम करेंगे तो इसके अंदर अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहां पर इन दोनों ऑप्शन को समझ लें। अगर आपको मिरर के अंदर कोई भी एडिटिंग देखनी है तो आप यहां पर रिफ्लेक्टिव कॉस्टिक को ऑन कर सकते हैं। उसी के बाद यहां पर रिफ्रेक्टिव के अंदर हम देखें तो ये क्या होती है, ये आपकी जो आपने देखा होगा अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट को ट्रांसपेरेंट पास करवाना चाहते हैं तो आप इसको अलाउ जरूर करें। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो कोई भी लाइट उस मीडियम से पास नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्यूलेशन का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पर ये फर्क क्या आता है इससे, ये मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पर एक सोर्स इमेज यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर मैंने रेंडर कर रखा है पहले से आपके लिए, इसको मैं ए मानता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने इसके एक और दूसरी इमेज यहाँ पर मैं इसको बी मानता हूँ। सो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि कैसे आपको एज पर, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से एक मिनट। यहाँ पर मैंने इसको ए माना एंड यहाँ पर एक साइड पे इसको बी माना। सही से यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं जो आप इस कॉर्नर को अच्छे से फील करना, आपके एक साइड में मैंने ऑफ करके सेटिंग को की है एंड दूसरी साइड में ऑन करके। आप इसके एडवांस सेटिंग के अंदर देखें, अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो ये बेसिकली करता कि आपकी जो शेडो होती है, यहाँ पर सोर्स इमेज आप अच्छे से देखें कि कैसे जो शेडो है अच्छे से कॉर्नर वाली जनरेट होती है। अगर आप ऑन रखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड वाला इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज इसके अंदर आपकी क्लैरिटी अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है गाइस। सो आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिलता है अगर आप एम्बिएंट ऑक्यूलेशन को ऑन रखते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका यूज जरूर करें, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये वाला ऑप्शन यूज करना, जिसके थ्रू मैं कुछ ऐसा रेंडर निकाल पाता हूं। उसके बाद यहां पर चलते हैं लास्ट, यहां पर आप देख पा रहे हैं फोटोन मैप्ड कॉस्टिक। सो ये क्या होता है, यहां पर आप इसको अगर ऑन रखेंगे तो ही आपको ऐसा वाटर के अंदर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस बहुत ही अच्छा है कि इंपैक्ट है। अगर यहां पर मैं दिखाऊं आपको, इसको मैं
बंद करता हूँ यहाँ पर एज इसको ए एंड एक साइड में इसको मैं बी मान लेता हूँ। सो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको मैं बी मानता हूँ। सो अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉस्टिक को ऑन किया है और आपको कुछ भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि जो आप अपने राइट हैंड में आप देख पा रहे हैं ये वाली इमेज, सो ये मैंने यूज किया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद वाला रेंडर। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इमेज रेंडर होने के बाद देखने को मिलेगा। सो देख सकते हैं कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। सो ये जो कॉस्टिक होता है, कॉस्टिक का मतलब ही होता है कि जो आपकी लाइट एमिट करती है उसकी जो सोर्स इमेज है वो कितनी ज्यादा आपकी रेंडर के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। सो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा गाइज। सो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लायर से मतलब अगर आप और भी इम्पैक्ट चाहते हैं, सो यहाँ पर मैंने आपके लिए मॉडल भी रखा हुआ है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जहां पर हम लाइव रेंडर करके देख लेते हैं इसको कि क्या ये सच में इंपैक्ट करता है कि नहीं। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ एक स्विमिंग पूल सा बनाया था यहाँ पर, और अभी आपको यहाँ पर एक रेंडर निकाल कर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बिलीव हो कि ये क्या एक्चुअल में वर्क करता भी है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पर चलिए हम एक छोटा सा रेंडर करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं रेंडर करके दिखा रहा हूँ आपको। सो यार जब तक आप ये रेंडर होता है आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो अभी जैसे कि देख पा रहे हो आप इसमें आपको डेप्थ कितनी अच्छी देखने को मिल जाती है, आपकी वेव्स आ रही हैं, आपकी जो कलर के इम्पैक्ट है वो भी अच्छे से आ रहे हैं। इवन आप अगर सही से नोट करो जो आपका नीचे वाला लेयर है वो भी यहाँ पर सही सा एक एंगल ले पा रहा है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीप्लाई कर, अगर आप और भी ज्यादा उसके अंदर देखना चाहते हैं डिविजन्स के अंदर फर्क तो आप यहां से डाल सकते हैं। उसी तरह डिस्टेंस है कि आप कितने ज्यादा डिस्टेंस पे करना चाहते हैं। अगर आप और भी डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो मल्टीप्लायर यूज करेंगे, डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे तो जो कॉस्टिक की रेज होती है, रेज इन द सेंस यहां पर आप देख पा रहे हैं जो यहां पर इस इमेज के अंदर क्लियर आपको पता चलेगा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डिस्टेंस को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर फोटोन्स है, फोटोन्स का यूज आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सरफेस के अंदर नंबरिंग आपको फोटोन्स बढ़ानी है, नंबरिंग ऑफ फोटोन्स, बिकॉज ये जो इम्पैक्ट होता है ये फोटोन्स की वजह से ही होता है। अगर आप इसकी डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यूज को ज्यादा कर सकते हैं। बाकी डेंसिटी को आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे मैं डेंसिटी को आपको बता दूं कि आपकी अगर इसको ज्यादा वैल्यू करते हैं तो इसकी डेंसिटी तो बढ़ जाती है लेकिन आपको रेंडर होने में टाइम लगता है गाइस। सो होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन जो कि था ब्रूट फोर्सेस करके, सो इनमें फर्क क्या होता है, तो गाइस यहाँ पर जो आपको फर्क देखने को मिलेगा वो रेज के अंदर ज्यादा नहीं मिलता गाइस। लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं इरेडियंस, सो आपको रेंडर में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा गाइस। सो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा मैंने जो भी बताया। अगर कोई भी डाउट आपको माइंड में है सो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से मेरे से पूछ सकते हैं। सो यार वीडियो को रेट जरूर करना, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा होगा, और नहीं भी हो रहा होगा तो आप वहां पर क्लिक कीजिए, रेट कीजिए, ताकि मेरे जो अंदर के मोटिवेशंस होते हैं वो जागरूक हो और आपको और भी अच्छे में कॉन्सेप्ट दे पाऊं। सो यस गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।